दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था। उनके पिताजी झगड़ा देख करके जोर जोर से हंस रहे थे। झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था? चार बेडरूम के मकान को लेकर के, प्रॉपर्टी का विवाद था। पिताजी को हंसता देख करके दोनों भाइयों ने पूछा, पापा आपको क्या हो गया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आप हंस रहे हो। पापा ने कहा, बेटा तुम इसके चक्कर में पड़े हो, मैं तुम्हें अनमोल खजाना दिखाऊंगा, कल चलो मेरे साथ छुट्टी लेके। दोनों भाइयों ने छुट्टी ली, एक बस की यात्रा के लिए तैयार थे। बस में अंदर चढ़े तो दो ही सीट खाली थी, जाने वाले तीन थे। पापा के पास में थोड़ी देर के लिए एक भाई बैठा, फिर दूसरा भाई खड़ा रहा, इस तरीके से एडजस्ट करते हुए चले गए। 8-10 घंटे का रास्ता था। गांव में पहुंचे तो पिताजी उनको पुरानी हवेली पर लेकर के गए। वहां जाकर के पिताजी इमोशनल हो गए, देखते हैं हवेली खंडर हो चुकी है, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, झाड़ियां उगाई हैं। पिताजी रोते चले जा रहे थे और उनसे कह रहे थे, देख रहे हो हवेली, इस हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई लड़ी, मरने मारने पर उतारू हो गया, जैसे कल तुम लड़ रहे थे। आज हवेली तो मुझे मिल गई थी, लेकिन भैया विदेश चले गए, मुझसे कहा तू ये मकान रख, रिश्ता खत्म। मैंने अपने भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में, और आज ये हवेली खंडर बन चुकी है। तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो जमीन तो खंडर हो जाएगी, मकान तो खंडर हो जाएगा, रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिस बस की सीट पर बैठकर आए हो, क्या वो जीवन भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? भाइयों ने कहा, नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, बस में सवारी बदलती रहती है। पिताजी ने कहा, बस यही लाइफ है, सवारी बदलती रहेगी, जो चीज थोड़ी सी देर के लिए मिली है उसके लिए झगड़ना बंद करो, खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए, मटेरियलिस्टिक के पीछे नहीं, इमोशनल के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए।